नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं यह ध्यान देने योग्य है कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर भाजपा से अधिक है। इस असामान्य स्थिति ने सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है कि आखिर ज्यादा वोट शेयर के बावजूद सरकार भाजपा की कैसे बन रही है। वोट शेयर में कांग्रेस 41% के साथ आगे है, वहीं भाजपा को 38% मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस कई सीटों पर बंपर वोट से आगे है, लेकिन फिर भी वो कई सीटों पर कुछ वोटों से पीछे है। कांग्रेस को हरियाणा में ज्यादा वोट शेयर मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ हम आपको स्पष्ट कर दें कि इस स्थिति में ऐसा मतलब नहीं है कि कोई धांधली या कोई खेला हुआ है, जिस तरीके की चर्चाएं सोशल मीडिया पर हो रही हैं। भारतीय चुनाव में यह एक सामान्य प्रवृत्ति है, जब किसी पार्टी को ज्यादा वोट शेयर मिलता है लेकिन सीटें कम जीतती हैं, तो इसका मतलब है कि पार्टी उन सीटों पर जबरदस्त समर्थन प्राप्त कर रही है जहां उसने जीत हासिल की है। उदाहरण के लिए हरियाणा में कांग्रेस के जिन क्षेत्रों में जीतने के संकेत हैं वहां उसका वोट शेयर बहुत ही अधिक है, लेकिन यदि ये वोट केवल कुछ सीमित सीटों पर केंद्रित है तो वह पूरे विधानसभा में सीटों की संख्या नहीं बढ़ा पाती। इसके विपरीत अगर नजर डालेंगे तो भाजपा ने कम वोट शेयर के साथ ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाई है। इसका मतलब है कि भाजपा को कई सीटों पर अपेक्षाकृत कम लेकिन स्थिर वोट मिले हैं, जो उसे उन सीटों पर जीत दिलाने में सक्षम बना रहे हैं। यह एक रणनीतिक खेल है जहां भाजपा ने उन इलाकों में मजबूत पकड़ बनाई है जो चुनावी मानचित्र पर महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हरियाणा के चुनाव नतीजों में जो दिख रहा है वह यह है कि भाजपा ने अपने आधार को व्यापक बनाया है, जबकि कांग्रेस ने कुछ विशेष क्षेत्रों में अपनी ताकत को बनाए रखा है। इसलिए चुनाव परिणामों में असमानता देखने को मिल रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे एक महत्वपूर्ण सबक देते हैं कि कैसे चुनावी राजनीति में केवल वोट शेयर का आंकड़ा ही निर्णायक नहीं होता। सीटें जीतने के लिए एक रणनीति की आवश्यकता होती है और भाजपा ने इस बार अपने रणनीतिक प्रयासों में सफलता पाई है। अब देखना है कि यह कांग्रेस कैसे अपनी स्थिति को सुधारने और अपने वोट बैंक को विस्तारित करने की योजना बनाती है।